afternoon. Welcome to Jyoti Spoon's live tarot session. Am I audible to you? You can message me to tell me, am I audible to you? Am I audible? प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए मैं ऑडिबल हूं. ओके फाइन. माई सेल्फ रूपा मुद्रा गोगोई. आई एम अ टैरो कार्ड रीडर. आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट. आई एम अ रेकी हीलर टू. सो today I am live in front of you to answer your questions. Kindly share the page as much as you can in your groups so that I'll be able to take your questions and I can give it an answer. Jitna ho sake aap log please share kijiye page ko. Jinke share tag hoga main unki questions lungi. हीना सोमकर. ओके हीना जी का क्वेश्चन ले लेते हैं. तरुण हीना के साथ अच्छी इंटेंशन से रिकॉन्सिलेशन होगा. कब तक होगा? ओके हीना जी आपके क्वेश्चन ले लेते हैं. तक रिकॉन्सिलेशन होगा हीना जी के तरुण जी के साथ? तब तक रिकॉन्सिलेशन होगा. हीना जी आपका रिकॉन्सिलेशन मुझे अक्टूबर तक दिखाई दे रहा है. ठीक है, अक्टूबर कमिंग अक्टूबर तक आपके रिकॉन्सिलेशन होने का चांसेस है. ओके ऑल द बेस्ट टू यू. काइंडली शेयर द पेज एज मच एज यू कैन सो दैट आई कैन यू नो पिक अप योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. दीपक जी आप प्लीज शेयर कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस ले पाऊं. ओके फाइन आई एम ऑडिबल. ओके फाइन फाइन या सिमरजीत कौर आई एम डूइंग गुड. हाउ अबाउट यू? ओके ओके या नाउ आई एम गेटिंग योर मैसेजेस. या फाइन. ओके Will I go to Bhopal with my husband in August? Tanu Gupta ji, will I go to Bhopal in August? Tanu Gupta ji ke liye hum le lete hain. Will Tanu Gupta go to Bhopal with her husband in August? Tanu Gupta ke liye hum le lete hain. जी तनु जी बिल्कुल सांसेस है. आप अपने हस्बैंड के साथ भोपाल जा सके. ठीक है एंड आई फील यू आर लाइक यू आर वेरी इंडिपेंडेंट लेडी. ओके एंड इमोशनली बैलेंस टू. ऑल द बेस्ट टू यू. Aha.
आप लोग थोड़ा यू नो स्लोली कमेंट कीजिए, मैं जब तक पढ़ू इट इज गोइंग आप एक्चुअली. मीनाक्षी जैन, फ्यूचर रीडिंग फॉर मीनाक्षी जैन. ओके, फ्यूचर रीडिंग फॉर मीनाक्षी जैन. ओके, फ्यूचर रीडिंग फॉर मीनाक्षी जैन. मीनाक्षी जैन के लिए फ्यूचर रीडिंग. मीनाक्षी जी, आपके फ्यूचर बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है, मुझे लाइक आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी मच यू नो एन इंडिपेंडेंट लेडी. ओके, आपका सक्सेस है, बट मुझे मैं आपको ये सजेशन करूंगी कि आप थोड़ा चीजों को बैलेंस करते हुए चलना. ठीक है, लाइक इन प्रोफेशनल लाइफ और एल्स लाइक यू नो फैमिली लाइफ, दोनों को बैलेंस करते आप चलना. एंड आई एम सीइंग लाइक आपके पीछे भी कोई एक यू नो लेडी, मतलब फीमेलाइन एनर्जी को मैं देखी हूँ, जो बहुत ज्यादा आपको केयर करते हैं, इमोशनली आपको नर्चर करते हैं. ये आपकी मॉम भी हो सकती है. ठीक है, बट यू आर ए वेरी बैलेंस्ड लेडी और एन इंडिपेंडेंट टू. ठीक है, आपका सीजे बहुत अच्छे होने वाले हैं इन फ्यूचर, बट थोड़ा सीजों को बैलेंस बनाते हुए चलना. ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू. रोहित मिश्रा, डॉटर अंबर की जॉब कब लगेगी? ओके, रोहित मिश्रा जी के लिए हम ले लेते हैं, डॉटर अंबर की जॉब कब तक लगेगी? ओके, अंबर की जॉब कब तक लगेगी? अंबर की जॉब कब तक लगेगी? अंबर की जॉब कब तक लगेगी? नवंबर तक चांसेस है. ठीक है, अंबर की जॉब लगना नवंबर तक चांसेस है. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी अभी जो लाइफ पास से चलते आ रहे इट इज लाइक वॉरीसम. ठीक है, उनको बहुत ज्यादा यू नो एंजाइटी स्ट्रेस भरे पड़े हैं, बट सी इज गोइंग टू हैव ए न्यू बिगिनिंग. ठीक है, या कमिंग 4 मंथ्स में उनकी जॉब लगने का चांसेस है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. अनु शर्मा, मुझे बेबी कब तक होगी? ओके, अनु शर्मा जी की क्वेश्चन हम ले लेते हैं. गाइस प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन सो दैट आई कैन पिक अप योर क्वेश्चंस. अनु शर्मा के लिए मुझे बेबी कब तक होगी? अनु शर्मा जी के लिए हम ले लेते हैं कब तक बेबी होगी. एंड मुझे आप यहाँ पे जनवरी तक कंजीव करते हुए नजर आ रहे अनु शर्मा जी. ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू. पिंकी बोरा सोइक्या, कब जॉब कब मिलेगी? पिंकी बोरा सोइक्या के लिए हम ले रहे हैं जब कब मिलेगी. पिंकी बोरा सोइक्या, व्हेन विल पिंकी बोरा सोइक्या विल गेट हर जॉब? ओके, पिंकी बोरा सोइक्या, व्हेन सी विल गेट हर जॉब? पिंकी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो अपॉर्चुनिटीज आएंगे एक ही साथ आने का चांसेस है. बहुत सारों जगह से अपॉर्चुनिटीज आने का चांसेस है, बट लाइक यू नो अमंग देम यू नीड टू चूज वन. ओके, आपको डिसीजन अच्छे से लेके एक ही चूज करनी है. इतना सारा अपॉर्चुनिटीज देख के यू शुड नॉट बी पजल. ओके, तब आपका अगर आप उसमें पजल हो गया तो इट वोंट बी यू नो दैट मच फेवरेबल फॉर यू. सो अच्छे से एक अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से आप देखना. मुझे यहाँ पे अक्टूबर तक आपका जॉब ऑफर आने का चांसेस दिख रहा है बिल्कुल, दिस अक्टूबर. ओके, ऑल द बेस्ट यू.
गाइस प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन प्लीज सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर. Moon from husband or about reunion how about the marriage picture. Okay, Moon. I'm taking the questions for Moon. मुनमुन मुझे आई एम सीइंग द कमिंग फॉर विद इन कमिंग फोर मंथ्स नो लाइक नवंबर टिल नवंबर आई एम सीइंग देयर विल बी रीयूनियन ओके एंड न्यू यूनियन आई एम सीइंग कोलैबोरेशन यूनिटी फैमिली गेट टुगेदर ठीक है. सो विद इन नवंबर यू विल हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ ओके. थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट. Share as much as you can. आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब जिन लोगों को जॉब की प्रॉब्लम हो रही है यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब यू आर नॉट एबल टू गेट जॉब डू वन थिंग राइट द नंबर 741 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी पार्ट ठीक है 741 बट यू नीड टू राइट विद अ ग्रीन कलर पेन ठीक है. सो कोई भी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट में आप 741 लिखिए और उसको जितना हो सके चैंट कीजिए ओके. सो इट विल क्लियर अप द ब्लॉकेज फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटीज. ऑलराइट गाइस निशान से आपका क्वेश्चंस मैं ले लूंगी. आप प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को एज मच एज यू कैन सो दैट आई कैन यू नो टेक योर क्वेश्चंस ठीक है. बिकॉज आपके वहां पे शेयर टैग नहीं आ रहे प्लीज शेयर इट. करुणा यादव ज्वाइनिंग लेटर इस वीक अगस्त में. करुणा यादव के लिए हम देखते हैं ज्वाइनिंग लेटर इस वीक अगस्त में मिलेगी कि नहीं. करुणा यादव ज्वाइनिंग लेटर फॉर करुणा यादव इस वीक में मिलेगा कि भी नहीं. करुणा यादव की ज्वाइनिंग लेटर इस वीक के भी मिलेगी भी नहीं. करुणा जी बिल्कुल सांसद से मिलेगी इस वीक ठीक है. मुझे यहाँ पे आपके जो पास्ट लाइफ है मुझे आप बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हुए मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है. आपने बहुत सारा यू नो सेक्रीफाइस किए बहुत सारा लॉस हुआ आपके अप्स एंड डाउन बहुत आए ऑब्स्टिकल्स बहुत आए लाइफ में ठीक है. बट नाउ द थिंग इज चेंजिंग फॉर यू ओके एंड इस वीक डेफिनेटली मिलने का सांसद है. ऑल द बेस्ट टू यू. रहमतुल्ला व्हेन विल आई ट्रेवल टू कुवैत ओके. रहमतुल्ला व्हेन सी विल ट्रेवल टू कुवैत. रहमतुल्ला व्हेन सी विल ट्रेवल टू कुवैत. आई एम टेकिंग इट फॉर रहमतुल्ला व्हेन सी विल ट्रेवल टू कुवैत. रहमत जी मुझे अक्टूबर के बाद आपका चांसेस दिख रहा है ट्रेवल करने के लिए ठीक है. 10 अक्टूबर के बाद दिख रहा है. ऑल द बेस्ट टू यू. आचल
आचल के लिए हम ले लेते हैं, सॉरी वो नाम आचल बिश्नोई। ओके, फाइन आर्ट्स की करियर के लिए, फाइन आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फॉर आचल बिश्नोई। ओके, फाइन आर्ट्स की करियर कैसे रहेंगे आचल बिश्नोई के लिए, फाइन आर्ट्स की करियर कैसे रहेंगे। ठीक है, आचल बिश्नोई के लिए हम देख लेते हैं फाइन आर्ट्स की करियर कैसे रहेंगे। बिल्कुल अच्छा रहेगा फाइन आर्ट्स आपके लिए। आपके लिए यही कार्ड्स आ रहा है, पेज ऑफ कार्ड्स। ठीक है, आप बहुत ज्यादा यूथफुल हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रॉक। ओके, बहुत अच्छे है करियर, यू कैन करियर नाउ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। ज्योति गांधी, वेन आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस। ओके, ज्योति गांधी के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वेन सी कैन स्टार्ट हर बिजनेस। ज्योति जी के लिए मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, वेन सी कैन स्टार्ट हर बिजनेस। ज्योति जी, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ऑन आफ्टर नवंबर। ठीक है, अराउंड नवंबर। मुझे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोगों के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, कंफ्लिक्ट आया हो। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं आपका थोड़ा जो माइंड है वो थोड़ा मेटेरियलिस्टिक होने में जा रहा दिख रहा है। ठीक है, तो आप चीजों को बैलेंस करते हुए चलिए, आप सोशल भी हो जाइए। ठीक है, फैमिली को भी टाइम दीजिए, मेटेरियलिस्टिक भी। मुझे ज्यादा आपकी मन का जो सोर्स है ना, थोड़ा अपने मेटेरियलिस्टिक गेन के तरफ जाना दिख रहा है। एंड थोड़ा लाइफ में अप्स एंड डाउन, आर्ग्यूमेंट्स, कंफ्लिक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली आफ्टर नवंबर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट यू। गाइस, फॉर पर्सनल कंसल्टेशन में अपना डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 8800554071, दैट इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, @trustedvisions। ठीक है, मेरे फेसबुक पेज भी है, हिल विद ट्रस्टेड विजन्स, में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जानू जन्नत की शादी कब होगी। ओके, गीता शर्मा इज आस्किंग, जानू जन्नत की शादी कब तक होगी। ओके, जानू जन्नत की शादी कब होगी। ओके, जानू जन्नत की शादी कब होगी, जानू जन्नत की शादी कब होगी, जानू जन्नत की शादी कब होगी, जानू जन्नत की शादी कब होगी। मुझे इनकी रिश्ता कमिंग फरवरी के अंदर आते हुए दिख रहा है। ठीक है, रिश्ता पर अभी इनके ना थोड़ा मुझे ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, यू नो, फियर, इमोशनल इम्बेलेंसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट विद इन फरवरी लाइक यू नो पीपल विल कम, लाइक रिश्ता आएंगे आप इनके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट यू। धर्मेश जी, आप प्लीज पेज को शेयर कीजिए, आपकी वहां पे शेयर टैग नहीं आ रहा है अभी तक। अभिनंदन कुमार तिवारी, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी। अभिनंदन कुमार तिवारी के लिए हम देख लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी। अभिनंदन कुमार तिवारी, ओके, अभिनंदन कुमार तिवारी के लिए देख लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी। अभिनंदन कुमार तिवारी,
अभिनंदन जी, मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इन द मंथ ऑफ नवंबर से इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मतलब आप बहुत टाइम से ना बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आप एक्चुअली मतलब एकदम टायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, लाइक कभी कभार आपको मन ये करता है कि मैं चीजों को गिव अप कर दूं, चले जाऊं कहीं पे अकेले, सारी चीज गिव अप कर दूं, पर अभी आप प्लीज गिव अप मत कीजिए। ठीक है, और थोड़ा टाइम आपको हार्ड वर्क मेहनत करना पड़ेगा, बट नवंबर से आपका सिचुएशन ठीक होते हुए मुझे नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हंसिता प्रकाश नारा उज्जैन, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक सॉल्व होगी? प्रकाश नारा उज्जैन, प्रकाश नारा उज्जैन, फाइनेंशियल सिचुएशन कब तक सॉल्व होगी? प्रकाश नारा उज्जैन, फाइनेंशियल सिचुएशन कब तक सॉल्व होगी? प्रकाश नारा के लिए मैं ये बता दूं, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा स्ट्रेस में है वो। ठीक है, सीजे लाइक काम नहीं कर रहा है उनके लिए, वो जितना भी मेहनत करे जितना भी हार्ड वर्क करे, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन हिज फेवर। ये आपका नेक्स्ट अगस्त तक सही होगा, वन ईयर के अंदर नेक्स्ट अगस्त तक सिचुएशन स्टेबल होने लगेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गाइज प्लीज शेयर माई पेजेस, जितने लोगों पेज जितने लोगों में आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, प्लीज शेयर कीजिए। सुबह सभा अमित शाह, मुझे सॉरी आपका वो पेज में ऊपर चले गए। अच्छा, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? ओके, और मेरी मैरिज होगा। अमित शाह की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? अमित शाह की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? अमित शाह जी, आपके जॉब नेक्स्ट जून तक, विद इन जून, कमिंग जून तक, मतलब वन ईयर के अंदर जॉब लगने की चांसेस बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आपका न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है, यू आर वेरी यू नो एंथुजियाज्म, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, न्यू आइडियाज आ रहे हैं आपके, न्यू बिगिनिंग के लिए आप रेडी हो, एंड डेफिनेटली इट्स गोना बी हैपन। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। आयुष गुप्ता प्लीज शेयर द पेज, जब तक आपके शेयर अटैक नहीं आएंगे मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, प्लीज शेयर द पेज एज मच एज पॉसिबल। गोली आर्यन, हेलो हाउ आर यू? जिन जिन लोगों भी मैं जैसे कि आगे भी बोल गई हूँ, द पर्सन हु आर फेसिंग इश्यूज ऑन जॉब, ठीक है, राइट द इंजन नंबर 741 विद योर ग्रीन कलर पेन, ओके, राइट इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी पार्ट। अब अपने ग्लास में भी उसको स्टिकर लगा के नो यू कैन पेस्ट इट ऑफ एंड यू कैन हैव दैट वाटर, ठीक है, इट विल बी एनर्जाइज। सो आपका जितना भी जॉब रिलेटेड ब्लॉकेजेस है इट विल ओपन अप। ओके,
मास्टर गौरी का रावत, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बादशाह गौर, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है गौरी का जी, आप क्या बोलना चाहते हो प्लीज कैन यू राइट वंस मोर कि बादशाह गौर एंड परी त्यागी का ब्रेकअप होगा, इन दोनों का कब तक होगा? बादशाह गौर एंड परी त्यागी का ब्रेकअप होगा कब तक होगा? ओके मैं देख लेती हूँ कब तक होगा बादशाह गौर एंड परी त्यागी का ब्रेकअप कब तक होगा, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चंस। कब तक ब्रेकअप होगा? में चांसेस है बिकॉज दिस रिलेशन आई एम सीइंग हियर इज क्वाइट यू नो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ओके लॉस यू नो हार्ट पेन टॉक्सिक रिलेशंस एंड दे आर फीलिंग लाइक यू नो बॉन्डेज, वो जो अभी दो दो रिलेशंस में है उनको बहुत ज्यादा चेन लग रहा है, ट्रैप लग रहा है रिलेशंस में, ठीक है। इफ इन केस लाइक दे वांट टू मूव अहेड विद इन 5 months ऑफ टाइम दे कैन, ओके देयर इज अ चांस लाइक टू बी सेपरेटेड और दे कैन मूव अहेड, ठीक है, बिकॉज करेंट एनर्जी इज वेरी बैड। ओके थैंक यू सो मच। आयुष गुप्ता प्लीज आप पेज को शेयर कीजिए, आपके शेयर अटैक नहीं आ रहा है। मधु पंडे हस्बैंड अभय का जनरल रीडिंग, ओके मधु पंडे हस्बैंड अभय की जनरल रीडिंग, अभय की जनरल रीडिंग देखिए अभय जी का अभी जो कंडीशन है वो ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, और वो एक्चुअली कोई भी चीज करने में बहुत ज्यादा हरी है, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में है वो काम खत्म करने के लिए कुछ काम, ठीक है, उनको उसी खत्म करने की जो जल्दबाजी कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनके पीछे भी कोई लोग वार कर सकते हैं, उनको लोग मुझे पीछे ना कोई लोग मुझे जेलस है ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, बी केयरफुल फॉर दैट। एंड आप अभी आपका ये है कि यू नीड टू सीक सम एडवाइस फ्रॉम योर मेंटर, ओके आपके कोई टीचर हो या आपके कोई यू नो एक्सपीरियंस सीनियर हो, आप उनसे थोड़ा आइडियाज लेना चाहिए अभी इस वक्त के लिए, एंड डेफिनेटली कमिंग टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, ओके एंड विद इन नेक्स्ट अगस्त तक आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, बट यू नीड टू हैव द गाइडेंस आपके सीनियर्स का या आपके मेंटर का, आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज्यादा अभी जरूरी है, ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। डॉली आर्यन गवर्नमेंट जॉब, डॉली आर्यन के लिए देखते हैं गवर्नमेंट जॉब, डॉली आर्यन के लिए देख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब, डॉली आर्यन के लिए गवर्नमेंट जॉब की चांसेस है कि नहीं हम देख लेते हैं। डॉली आर्यन डॉली जी आपके चांसेस बिल्कुल है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, अभी जो आपका सिचुएशन है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में है, आपको ना वही कहीं 2-3 डायरेक्शंस आ रहे हैं जहां पे आपको ना डिसीशन लेने में बहुत दिक्कतें आ रहे हैं, ठीक है, आप पजल हो तो उसमें से आपको एक प्रॉपर डिसीशंस लेनी है और आपका कमिंग टाइम जो है बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बिल्कुल चांसेस है, ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। ऋषभ जी प्लीज आप पेज को शेयर कर दीजिए, आपके वहां पर शेयर अटैक नहीं आ रहा तो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, काइंडली शेयर द पेजेस, थैंक यू सो मच।
अनु शर्मा के लिए ले लेते हैं, सौरभ जयराज के साथ मेरी लाइफ कैसे रहेगी। ओके अनु शर्मा, सौरभ जयराज के साथ आपकी लाइफ कैसे रहेगी। आपके सौरभ जयराज के साथ आपकी लाइफ बिल्कुल सही रहेगी। ओके बहुत ज्यादा आई नो यूनिटी है, कोलैबोरेशंस है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगा, बैलेंस रिलेशनशिप होगा। बट आपका ये है कि आप जो भी चीज यू नो जब आपको जरूरत पड़ता है वो समय आपको नहीं मिलते हैं। कोई भी चीज मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखने के बाद आपको एक नो डिवाइन टाइम में चीजें मिलते हैं। ओके बट आपका उनके साथ रिलेशन बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। ओके ऑल द बेस्ट यू। जसप्रीत अनेजा, लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। ओके जसप्रीत अनेजा के लिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जसप्रीत अनेजा लाइफ पार्टनर कैसे रहेगी। जसप्रीत अनेजा जसप्रीत जी आपके लाइफ पार्टनर जो है मुझे थोड़ा मूडी टाइप का दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा वो यू नो उसके मूड थोड़ा मूडी पर्सन होगा। And he will be always, you know, आपको जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि he will be very much career oriented. वो अपनी करियर अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा ज्यादा बिजी रह सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। प्रियंका दास फ्यूचर रीडिंग। ओके प्रियंका दास के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्यूचर रीडिंग फॉर प्रियंका दास। प्रियंका जी के लिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, फ्यूचर रीडिंग फॉर प्रियंका दास। प्रियंका जी आपके जो फ्यूचर है बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके इनकेस अगर आप यू वांट टू यू नो बिल्ड अप योर करियर, आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो मुझे ओवरसीज के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, आपका कहीं ओवरसीज जॉब लग सकते हैं आपके, ठीक है। बट इन द मीन टाइम आपको ना थोड़ा बैलेंस लाइफ को बैलेंस करके भी चलना चाहिए, क्योंकि मुझे आपके पीछे एक लेडी दिख रहा है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टेरियस है, ठीक है। तो जो भी लेडी है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, बट वो क्या होता है चीजें आपको ओपनली नहीं बोलते, ठीक है, आधा चीज बोलते आधा नहीं बोलते, कोई तो आपके पीछे एक औरत है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम माय कार्ड, सो बी केयरफुल ऑफ दैट एंड जस्ट चेक इट हु इज दैट। ओके बट आपके फ्यूचर बहुत अच्छे जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। गाइस काइंडली शेयर द पेज एज मच एज यू कैन, मिनिमम 20 ग्रुप्स में शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे। और फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन यू नो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एट 8800554071 पे आप मैसेज कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग। उसमें मैं एक डिटेल रीडिंग देती हूँ आपको, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अलॉन्ग विथ मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी एनालिसिस भी करके देती हूँ उसमें। उसमें मैं रेमेडीज देती हूँ और हर एस्पेक्ट में आपको रीडिंग मिलेगा, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड फाइनेंस, ठीक है। सो एक प्रॉपर रीडिंग लेने से आप लोगों को एक प्रॉपर चार्ट मिल जाता है, आपका एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है आपके लाइफ का गोल क्या है, आपका लाइफ कहाँ जा रहा है और कैसे उसको यू नो आपका विजन की तरफ कैसे आगे बढ़े, एक प्रॉपर वो मिल जाता है, ठीक। सो यू कैन बुक योर स्लॉट फॉर योर पर्सनल रीडिंग टू। ओके प्रेरणा जी के लिए जनरल रीडिंग फॉर अगस्त। अगस्त के लिए हम जनरल रीडिंग देख लेते हैं प्रेरणा जी के लिए। प्रेरणा जी के लिए जनरल रीडिंग अगस्त के टाइम के लिए। ओके प्रेरणा जी आपको मुझे यहाँ ये दिख रहा है आपका अगस्त की महीना बहुत अच्छे जाने वाली है। मुझे आपकी ना कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स या कोई चाइल्डहुड मेमोरीज आपको बहुत ज्यादा रिकॉल होगा, या कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड्स कोई आके आपको मिलेंगे घर में, ठीक है, यू विल हैव अ गेट टुगेदर विच वॉज चाइल्डहुड फ्रेंड। और आपका मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग देख रहा है, आपका विक्ट्री भी दिख रहा है, ठीक है। सो अगस्त मंथ इज वेरी गुड फॉर यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।
मोनिका गौतम, टेल मी अबाउट माय लव लाइफ. ओके मोनिका गौतम के लिए देख लेते हैं. बहुत सारा लव लाइफ मोनिका गौतम, लव लाइफ फॉर मोनिका गौतम, लव लाइफ फॉर मोनिका गौतम. मोनिका जी आपको मुझे ये दिख रहा है आपने लाइव लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. आपको ये नहीं पता कि मैं उनके साथ रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज एक्सपेक्ट करते हो वो आपसे नहीं मिलता है. ठीक है, आपका मतलब थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं. और आप मतलब थोड़ा भी मुझे आपको एनर्जेटिक भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना अगर ये रिलेशन सबके लिए सही नहीं हो रहा है देन यू आर वेरी यू नो एनर्जेटिक टू यू नो मूव ऑन. ठीक है, और आगे आपको बढ़ने के लिए आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो ये दैट्स द रीजन यू आर वेरी कंफ्यूज नाउ. ओके थैंक यू सो मच. अभिषेक कुमार मैम हाय. हाय अभिषेक जी, हाउ आर यू? अतनु मजूमदार, अतनु मजूमदार के लिए फीचर रीडिंग. ओके अतनु मजूमदार, अतनु मजूमदार के लिए फीचर रीडिंग प्लीज. अतनु मजूमदार के लिए फीचर रीडिंग, अतनु मजूमदार के लिए फीचर रीडिंग. अतनु जी आपका मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपका थोड़ा ना लाइफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है. ठीक है, हेल्थ के वाइज में भी मुझे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहा है. ठीक है, फाइनेंस वाइज भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन ये टेम्पररी है, इट विल मूव ऑन. ठीक है, आपके अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं बट आप अपॉर्चुनिटीज का तरफ ना दिखाई आप नहीं देख पा रहे हो. ठीक है, बट यू आर ऑन योर ओन वे. थोड़ा अप्स एंड डाउन ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है बट इट इज अ टेम्पररी एज आई टोल्ड यू विल बी यू नो मूविंग अवे फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम एंड पेन. तो आपका न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है. ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगा, आपका स्टेबिलिटी आएगा. ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी. ठीक है, एवरीवेयर द इट विल बी बैलेंस्ड. ठीक है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है. ओके ऑल द बेस्ट टू यू. योगेश शर्मा जी के लिए ले लेते हैं जनरल रीडिंग. योगेश शर्मा, जनरल रीडिंग फॉर योगेश शर्मा. योगेश शर्मा जी के लिए जनरल रीडिंग, योगेश शर्मा जी के लिए जनरल रीडिंग. योगेश जी आपका टाइम अच्छा आ रहे. ठीक है, यू विल हैव अ न्यू ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग. आप बहुत ज्यादा अभी एनर्जेटिक हो. आपका मुझे थोड़ा बहुत मन में ना हार्ट पेन दिख रहा है बट यू आर यू नो मूविंग अवे. आप बहुत अंदर से ना मोटिवेट होके आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत एनर्जेटिकली आगे बढ़ रहे हो ताकि यू आर फीलिंग लाइक यू वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. ठीक है, आपका जो एम है यू आर गोइंग टू कॉन्कर इट. ठीक है, यू आर वेरी मच एनर्जेटिक एट दिस मोमेंट. ठीक है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है एंड इट्स ऑल अबाउट अ पॉजिटिव थिंग. ओके ऑल द बेस्ट टू यू. Share the page as much as you can, please. अभिषेक कुमार,
मुझे जॉब कब तक मिलेगी, मुझे कोई जॉब मिलेगी आगे? अभिषेक कुमार जी के लिए हम देख लेते हैं, जॉब मिलेगी आगे? अभिषेक कुमार, मैसेज फॉर अभिषेक कुमार, वेदर ही विल बी गेटिंग ए जॉब और नॉट इन फ्यूचर. अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, वेदर ही विल गेट ए जॉब और नॉट इन फ्यूचर. अभिषेक कुमार, अभिषेक जी बिल्कुल आपको जॉब मिलने का चांसेस है, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा. और अभी आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में भी हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, विद एग्रेशन यू आर मूविंग अहेड, ठीक है, आप इसी एनर्जीज के साथ काम करते जाइए, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए जॉब, ठीक है. चीजों को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़िए अच्छे से, डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव कार्ड. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू. ऋषभ जी प्लीज आप पेज को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, आपको जब तक शेयर टैग नहीं आएगा मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी. प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन. ऋतिक प्रिया, जनरल रीडिंग फॉर ऋतिक प्रिया. ओके, जनरल रीडिंग फॉर ऋतिक प्रिया, आई एम टेकिंग अप द क्वेश्चंस फॉर ऋतिक प्रिया, जनरल रीडिंग फॉर ऋतिक प्रिया. ऋतिक प्रिया, क्या हो, क्या बात है? अब मुझे बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, फियर, यू नो ओवर लोडेड, यू नो लॉस, यू नो बहुत ज्यादा एंजाइटी मुझे आपके उसमें दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है. एंड आपका फ्यूचर बिल्कुल अच्छा है, बट आप ये एनर्जीज को छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है. जब तक आप नेगेटिव एनर्जीज को साथ लेके आगे बढ़ते तो आपके पॉजिटिव एनर्जी आपके पास एंटर नहीं हो पाएंगे. जब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगा आपका चीजें मूव ऑन नहीं होगा. तो प्लीज लीव ऑल दिस वट एवर यू नो प्रॉब्लम यू हैव, पेन, एंजाइटी, आपका जो भी यू नो नेगेटिव सिचुएशंस आप कैरी ऑन कर रहे हो उसको प्लीज लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए. आगे आपका टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है. कमिंग टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, बट यू नीड टू लिव आउट ऑल दिस थिंग. मुझे बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा हार्ट, बहुत ज्यादा नो बिट्रेल, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है. प्लीज लीव इट आउट. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू. सावना बेगम, जनरल रीडिंग. ओके, जनरल रीडिंग सावना बेगम के लिए मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ. सावना बेगम, जनरल रीडिंग फॉर सावना बेगम. सावना जी, जनरल रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है. एंड यू आर इन अ पोजिशन टू यू नो, अभी आप थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहे हो, ठीक है. बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके, पर आपका तभी सीजे ज्यादा सक्सेसफुल होगा जब आप ना एक टीम के साथ काम करोगे, ठीक है. मतलब टीम वर्क जब करोगे आपका बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड एडवाइस लीजिए, टीम वर्क कीजिए, कोलेबोरेशन के साथ काम कीजिए. डेफिनेटली आपका न्यू बिगिनिंग है, न्यू ग्रोथ है, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है. सावना जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू अभिषेक जी. आदर्श सिंह के लिए जनरल रीडिंग ले लेते हैं. आदर्श सिंह, ओके, आदर्श सिंह के लिए हम जनरल रीडिंग ले लेते हैं. आदर्श सिंह के लिए हम जनरल रीडिंग ले लेते हैं. आदर्श जी, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपका बहुत मतलब कंफ्लिक्ट चलते हैं आपका, ठीक है. लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहस होते हैं, ठीक है. कन्फ्लिक्ट आते हैं, बहस होते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ ही लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, ठीक है.
बट आपका जो कमिंग टाइम है आपका बहुत अच्छा बैलेंस है, यूनिटी है, यूनिटी होगा, कोलैबोरेशन होगा, फाइनेंशियली भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी होंगे, बट ये जो आप एनर्जीज है इसे आप थोड़ा बाहर आ जाइए. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू. फरीहा रहमान, पार्टनर कब मिलेगा? ओके, लव रीडिंग, पार्टनर कब मिलेगा? फरीहा रहमान के लिए हम ले लेते हैं, पार्टनर कब मिलेगा? फरीहा रहमान के लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन, पार्टनर कब मिलेगा? लव लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा टर्मोइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपका जो लव मतलब हार्ट चक्र है ना वो थोड़ा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब आपके अगर लवर हो भी आपका थोड़ा यू नो उनके साथ बहसबाजी ज्यादा होती है, आर्ग्यूमेंट्स, आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो बीच बीच में आर्ग्यूमेंट्स में, बहुत ज्यादा एंजाइटी मुझे दिखाई दे रहा है चीजें, और अगर आपके मुझे ऐसा दिख रहा है आपका अगर इनके पास्ट में भी आपके कोई रिलेशन हो उसमें मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वो भी दिखाई दे रहा था, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके लव लाइफ थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, बट जो कमिंग टाइम है ये बहुत अच्छा है, आपको विक्ट्री मिलेगा, मुझे आपके चीज है ना सिक्स वीक्स के बाद मुझे सही होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, लव लाइफ 6 वीक्स के बाद आपको नया पार्टनर मिल सकता है, 6 वीक के बाद अगर आप इनके साथ भी रिलेशनशिप में हो 6 वीक के बाद आपका सीजे बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑल द बेस्ट यू. प्रदीप कुमार सैनी, मैम मेरी शादी कब होगी प्लीज बताओ. प्रदीप कुमार सैनी की शादी कब होगी? वन सेकेंड. आपका कमिंग जनवरी तक, विद इन जनवरी आपका रिश्ता आने का चांसेस है, ठीक है, आने का चांसेस है, पर अब ना रिश्तों में थोड़ा अब जैसे भी आपके रिश्ते हो जाए थोड़ा आप ना उसको बैलेंस करते हुए चलना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मतलब आपका ना चीजें बहुत ऊपर नीचे बहुत आप अभी भी आपका जो एनर्जी से बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड स्ट्रेस भरे हैं, ठीक है, उसको प्लीज लेट गो कीजिए, आप आगे बढ़िए, विद इन जनवरी मुझे डेफिनेटली रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, ऑल द बेस्ट टू यू. सुष्मिता जी, आपका मैं क्वेश्चंस ले लूंगी, आप प्लीज इस पेज को शेयर कीजिए प्लीज, हाँ जब तक शेयर टैग नहीं आएंगे मैं आपका क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी. वजीदा तबासुम की हेल्थ इश्यू. ओके, वजीदा तबासुम की हेल्थ इश्यू ले लेते हैं हम, वजीदा तबासुम की हेल्थ इश्यू हम ले लेते हैं. वजीदा तबासुम की हम हेल्थ इश्यू ले लेते हैं, वजीदा तबासुम हेल्थ फैक्टर फॉर वजीदा तबासुम. वजीरा की जो हेल्थ इश्यू है सभी प्रेजेंट एनर्जीज में थोड़ा वो ज्यादा फील कर रहा है, उनके हेल्थ इश्यू जो है ये बेसिकली ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी हेल्थ थोड़ा मतलब अप्स एंड डाउन्स में आ जाते हैं, एंड मुझे उनकी डिहाइड्रेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्लीज उनको बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, मुझे उसका बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस सेप्टेम्बर है ना, ये सितंबर के बाद उनकी हेल्थ इश्यू बिल्कुल हेल्थ स्टेबल होने की चांसेस है, मुझे दिखाई दे रहा है हेल्थ स्टेबल हो जाएंगे, प्लीज पानी ज्यादा पिए और स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं. ओके, ऑल द बेस्ट टू यू.
गाइस प्लीज शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। और मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि कमिंग वीक मेरे एक एंजल वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको यू नो हाउ टू कनेक्ट विद द एंजल्स, आपको एंजल की मदद से कैसे आपकी यू नो विशेस फुलफिल करनी है, आपको कैसे एंजल से प्रोटेक्शन लेनी है, एंड आपको एंजल्स की ऑटोमेटेड राइटिंग कैसे करनी है, तो एवरीथिंग आई बी कवर अप इन दिस वर्कशॉप। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज, ओके। मेरा अगले कमिंग वीक में मेरा वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। फाल्गुनी दास, ओके। फाल्गुनी दास जी ने पूछ रहे कि मुझे फ्यूचर में पार्टनर कब तक मिलेगी। फाल्गुनी दास की हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। फाल्गुनी दास के लिए फ्यूचर में उनको पार्टनर कब तक मिलेगी। फाल्गुनी दास, फाल्गुनी जी आपका जो पार्टनर है मुझे नेक्स्ट अगस्त के अंदर अंदर ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कमिंग अगस्त, अगले साल 2022 के अगस्त के अंदर आपको पार्टनर मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। लाइव रीडिंग में सब लोगों की सब क्वेश्चन स्पीक करने के लिए प्रॉपर रीडिंग करने के लिए बहुत दिक्कतें आते हैं इतने कम समय में, मेरे से जितना बन पा रहे मैं कर रही हूँ। सो फॉर डिटेल्स डिटेल रीडिंग प्लीज टेक ए यू नो पर्सनल कंसल्टेशन, उसमें आपको बहुत अच्छे से टाइम लेके आपका सारे चीज इन ऑल एस्पेक्ट्स में आपको कवर अप करूंगी, ठीक है। सो उसमें आपको फायदा भी होगा, आपको उसमें आपका जो ब्लॉकेजेस है आपको रेमेडीज भी बताया दिया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज बुक ए पर्सनल यू नो कंसल्टेशन, क्योंकि यहाँ लाइव सेशन में इतना सारा क्वेश्चन पिक करने के लिए इट इज लाइक नॉट पॉसिबल, ठीक है। Guys, post your you know questions as up, because after I am winding up after 5 minutes, ठीक है। मैं 5 मिनट में wind up कर रही हूँ। आपको जो भी questions है please आप जल्दी से जल्दी post कीजिए। सुष्मिता जी आपका शेयर टैग नहीं है, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चंस नहीं तभी ले पाऊंगी जब आपका शेयर टैग हो। प्लीज आप अपने फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस पेज को। शिरोश्री सरकार, अंकुर की करंट फीलिंग एंड रिकॉन्सिलेशन कब तक हो? शिरोश्री सरकार के लिए ले लेते हैं। अंकुर की करंट फीलिंग्स एंड रिकॉन्सिलेशन शिरोश्री सरकार के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सीरियसली जी आपका जो अभी पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा ट्रैप महसूस कर रहा है आपके साथ रिलेशंस में, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत यू नो बॉन्डेज में हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहा है वो, उसकी उसको थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे यहाँ पे आपके ये अगस्त के बाद चीजें ना थोड़ा सेटल होते हुए दिखाई दे रहा है, बट आपको क्या करनी है थोड़ा आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है वो आपको बेकरार रखनी है, ठीक है। आप इनर स्ट्रेंथ को लूज मत कीजिए, होप को लूज मत कीजिए, डोंट लूज होप, ठीक है। होप के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल विक्ट्री आपकी है। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, अराउंड 1 मंथ। मुझे अगस्त के बाद डेफिनेटली वो यू नो उनके अभी जो मन में जो चल रहा है वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिरोश्री सरकार जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू।
कैन आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब एज अ सिविल सर्वेंट. ओके प्रणव शर्मा जी के क्वेश्चन ले लेते हैं कि वेदर ही कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब एज अ सिविल सर्वेंट. ओके प्रणव जी के लिए क्वेश्चन है वेदर ही कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब एज अ सिविल सर्वेंट. प्रणव जी आपको डेफिनेटली चांसेस है बट मुझे ना आपकी करंट सिचुएशंस बहुत ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहे हैं. ठीक है आपके साथ जो मतलब अभी बहुत ज्यादा निगेटिविटी है अप्स एंड डाउन्स है. आप कोई यू नो पास्ट का चीजें आपको बार बार आपके दिमाग में आ रहा है आपको उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो उसको प्लीज लेट गो कीजिए आगे बढ़िए क्योंकि अभी आपके मन में ना मुझे बहुत ज्यादा यू नो एक्सटर्नल फैक्टर्स का चीजें आके हिंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है बट आपके मन में ऐसा भी आता है कि यू आर वेरी एनर्जेटिक आपको आगे बढ़ना चाहिए. डेफिनेटली आपका अच्छा टाइम है बट हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा. ठीक है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको लेकिन चांसेस डेफिनेटली है. ठीक है ऑल द बेस्ट टू यू. सुस्मिता जी आपका टैग नहीं आ रहा है प्लीज आप प्लीज शेयर कीजिए इस पेज को. मैं बार बार आपको चाहती हूँ मैं आपका क्वेश्चन लूँ पिक करूँ पर आपका शेयर टैग नहीं आ रहा है. आप प्लीज फेसबुक पेज में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. Alright guys, I'm winding up today for today. Again, I'll be coming live on Sunday 7 PM in the evening. ठीक है सी यू डन. आपका जो भी क्वेश्चन हो आपको जिसको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए प्लीज यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज 8800554071 जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस करूंगी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसमें आपको मैं हेल्थ फाइनेंस करियर रिलेशनशिप में अलग अलग एस्पेक्ट में बताऊंगी और जो भी ब्लॉकेजेस है उसके अकॉर्डिंग में रेमेडीज आपको गाइड करूंगी. प्लस आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग आपका नेम न्यूमरोलॉजी भी मैं करूंगी. ठीक है सो टिल देन आई एम वाइंडिंग अप टुडे. टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट.